बजरंगी 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 बजरंगी। बुक्कड़ परदेसी। अंकुश, मुझे मैंगो मिल्कशेक पीना है। मम्मी को बोलता हूँ। मम्मी, आज मैं 2 ग्लास मैंगो शेक पीऊंगा। कुछ खाने को भी देती हूँ। हाथ धोकर बैठो। हाँ। आम कहाँ रखे? यहाँ तो आम नहीं है। अंकुश, अंकुश, अंकुश। क्या हुआ मम्मी? अंकुश, एक भी आम नहीं मिल रहा। मैंने मिल्कशेक बनाने के लिए फ्रिज से निकाले थे। फ्रिज में भी खाने का कोई सामान नहीं है। हाँ? ऐसा कैसे हो सकता है? ये क्या गड़बड़ है? खाने की चोरी? अंकुश, घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा। तुम जल्दी से मार्केट जाओ और कुछ खाने के लिए लेकर आओ। मेरी भजिया ले गया। अब ये चटनी किसके साथ खाऊं? अरे हमारे तो टमाटर, कद्दू, बैंगन सब चला गया। अब हम बेचेंगे का? अंकुश, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, पनीपुरा में सबके यहाँ खाने की चीजें गायब हो रही है। कोई खाना चोर होगा। हैप्पी अंकल को बताते हैं। अरे हवा में उड़ता जाए मेरा मोबाइल रफ्तार। हमने देखा, हमरी मुच्छों ने भी देखा, अंकुश उड़ रहा है। सरसों का साग और मक्की की रोटी चोरी हो गई। अंकुश, यहाँ तो खुद हैप्पी अंकल का ही खाना चोरी हुआ है। हाँ। खाना चोर मिल गया अंकुश। तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। जो फनीपुरा में खाने की चोरियां कर रहे हो? ओ, यानी चोरों की पूरी गैंग है। देखो, मैं यहाँ लड़ने नहीं, समझाने। तुम लोग ऐसे नहीं मानोगे। बताओ, चोरी का खाना कहाँ छिपाया है? चूहा काका, आप इन्हें बचा रहे हो? इन्होंने पनीपुरा में चोरियां की है। बजरंगी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहता हूँ। आओ बजरंगी, ये देखो। इसका मतलब आपका भी खाना चोरी हुआ? हाँ, बजरंगी, पता नहीं ये खाना चोर कौन है। जो भी खाना चोर को पकड़वाएगा, अपने हाथों से उसे इनाम देकर मणिपुरा का हीरो घोषित करेंगे। बस, चोर को पकड़ कर आप क्यों नहीं बन जाते मणिपुरा का हीरो? हाँ हाँ हाँ, हीरो तो मैं ही बनूंगा। चलो चोर को पकड़ते हैं। ये तुम्हारे खाने के लिए नहीं है, खाना चोर को पकड़ने के लिए है। ये सब मैं मम्मी के सीक्रेट स्टोर रूम से छुपा कर लाया हूँ। आंटी को पता चला तो? तब तक मैं चोर को पकड़ कर हीरो बन चुका हूँगा।
चोर चोर बस कहाँ है चोर? ये तो पूरा खाना खा जाएंगे। मम्मी डांटेगी ना। बचाओ को पता चल गया खाना गायब है। भागो। अब पकड़ में आएगा फनीपुरा का खाना चोर। ऑल क्लियर सुंदर। ऑल क्लियर सलोनी। देखना अंकुश चोर को पकड़ेगा और इनाम होगा मेरा। कौन हो तुम लोग और फनीपुरा का खाना क्यों चुरा रहे हो? बिचरंगी अंकल, हम बहुत डरावन से आए हैं। वहाँ आपकी कहानियाँ बहुत फेमस है। हाँ? फोटोग्राफ प्लीज। ये हम सब गलती से एक जहाज में आ गए, है ना सुंदर? हाँ सलोने, अब वो जहाँ हमारे आइलैंड पर था ना, उसमें खाने की बहुत स्वादिष्ट सुगंध आ रही थी, है ना सलोने? हाँ, हमने जहाज पर पेट भर के खाना खाया और वहीं पे सो गए। जब हमारी नींद खुली, हम फनीपुरा के पोर्ट पर थे। हम चोर नहीं है बजरंगी अंकल, हमें अपने घर जाना है। ओह ये बात है, मैं तुम्हें घर पहुँचाऊँगा, लेकिन सबको मेरी बात सुननी पड़ेगी। अच्छा, मैंने पकड़ा है, मैं हूँ फनीपुरा का हीरो। ओए शुभाश रंगा, तुमने इन चोरों को पकड़ा, अब ये हवालात की सैर करेंगे। रंगा ने बेमानी की। कोई बात नहीं बजरंगी, कम से कम हमें ये तो पता चला कि वो चोर नहीं भटके हुए हैं। अंकल, मुझे मेयर अंकल कब हीरो बनाएंगे? ओ जी रंगा, मेयर साहब को खबर क्या है, बस वो आते ही होंगे। ओ जी तब तक तुम लोग नाश्ता वाश्ता कर लो। यहाँ से निकलना मुश्किल होगा। ओ जी ये ग्लू गन तो बड़े कमाल की है। अंकुश, हैप्पी अंकल से बोलो कि ग्लू गन का यूज ना करे, तुम खाना चोरों को पकड़कर फनीपुरा से बाहर कर दोगे। लेकिन मैं ऐसा कैसे करूँगा? क्या ये
यूज करके अब हैप्पी अंकल को गन के लिए मना करो। हैप्पी अंकल, आपको गन यूज करने की जरूरत नहीं है, मैं चोरों को 2 मिनट में फनीपुरा से बाहर भेज सकता हूँ। और जी 2 मिनट में बाहर करके दिखाओगे तो करके दिखाओ। लगता है अंतुचे चोरों को पीट रहा है।